3000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट है। 3000 रुपए पर गज। ये कॉलोनी देखो सर, ये कॉलोनी पूरी बड़ी हुई है, ब्लैक रोड। ये देखिए क्या बात है। और 3000 रुपए गज पक्का मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए हाईवे है, 3000 रुपए पर गज मिल जाएगा यहाँ पे। 3000 रुपए पर गज के। क्या बात है। देखिए अगर किसी को भी सस्ती जमीन लेना है दिल्ली एनसीआर में, तो देखिए इस बसावट हाईवे के बिल्कुल पास में, ये हाईवे रहा और ये बसावट। देखिए पास में बिल्कुल आपको काफी सारी कंपनियां मिल जाएगी रोजगार के लिए, जेबीएम कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये जेबीएम कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बिल्कुल पास में रोजगार का प्रॉपर साधन है। देखिए जमीन लेते हैं अगर आप यहाँ पे, तो जो लोग हमसे ईएमआई पर प्लॉट लेना चाहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे हम एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट ना करना चाहे और वो बैंक से लोन लेना चाहे, उसकी प्रोफाइल अच्छी है, तो बैंक से हम पैसा ले लेंगे, वो लोन अपना बैंक में किस्त जमा करे। तो अभी ये करंटी होके आई है इसकी, इसमें आपको डेट भी हमें मेंशन हो रही है। देखो ये स्टैंप लगी हुई कोर्ट की। अच्छा। ये डेट दिखा सकते हो आप। ये देखिए 6/3/2023। कौन कौन से कॉलेज मिल जाएंगे आसपास यहाँ पे? एडवांस कॉलेज, श्रीराम कॉलेज। अच्छा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस। ये सारे कॉलेज आपको यहाँ पे हैं। ये देखिए कितने बड़ी बड़ी कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। श्रीराम कॉलेज आपसे 50 गज का प्लॉट 1.5 लाख रुपए का है। केवल 1.5 लाख में 50 गज का प्लॉट, मेन रोड से लगता हुआ हाईवे से ही। इतना सस्ता, इतना सस्ता। बंचारी स्टेशन के भी रजिस्ट्री होगी ना, उसमें भी रजिस्ट्री है। अरे वाह, क्या सामने दिख रहा है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? सर इसके साथ में ही लगती हुई हमारी 3000 रुपए गज वाली प्रोजेक्ट है, इस कंपनी के साथ वाला ही। 3000 रुपए पर गज में जमीन जहाँ मिल रही है वहाँ पे ये कंपनी आ रही है। वहाँ पे ये कंपनी आ रही है और महिंद्रा का ये बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है। अच्छा दोस्तों, एक देखिए काफी पुरानी कंपनी में आज आपको फिर से लेके आया भारत ग्रीन डेवलपर। जैसे आपने पहले भी देखी थी यहाँ की काफी बढ़िया साइट आपको दिखाए थे, और इतने रीजनेबल बजट में हाईवे से टच में आपको प्लॉट दिखाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे खास बात है, यहाँ पे मकान, दुकान, प्लॉट, कोठी, फार्म हाउस, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, और खरीदे बेचे दोनों ही जाते हैं। सर हमारे साथ है, कैसे सर? बढ़िया सर, आप सुनाइए। आप बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं कि किस नाम से कंपनी है, कहाँ पे लोकेशन है, और आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा नाम सतवीर है, भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स के नाम से फर्म है हमारी। ठीक है। और ये जो ऑफिस है हमारा, ये नियर बाई राजमंदिर होटल, नीलम, नीलम बाटा रोड। और जो कोई मेट्रो से आना चाहता है भाई, तो उसके लिए नीलम मेट्रो, बाटा मेट्रो दोनों ही बढ़िया पड़ेंगे। और वो हमें फोन पहुंच के, मेट्रो पे पहुंच के कॉल करेगा तो हमारी गाड़ी यहाँ से पिकअप करने वहीं पहुंच जाएगी। अच्छा। उनको सिर्फ ऑफिस मेट्रो तक आना, मेट्रो पे ही गाड़ी लेने पहुंचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेट्रो पे आए सीधे कॉल करें, सीधे आपको पिकअप करवा लिया जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, सारा कुछ मिलेगा, मकान, दुकान, प्लॉट, कोठी, मकान मकान दुकान, एग्रीकल्चर लैंड, कोई खेती के लिए लेना चाहता है, कोई वर्कशॉप बनवाना चाहता है 500 गज में, 1000 गज में, 2000 गज में, 10000, कोई 10 एकड़ में, 20 एकड़ में फैक्ट्री, हम फैक्ट्री बनाते हैं। अच्छा। रेजिडेंस प्लॉट भी देते हैं, कॉमर्शियल भी देते हैं, रेजिडेंस भी देते हैं, एग्रीकल्चर भी देते हैं। तो जो भाई लेना चाहता है वो मिले जरूर हमसे आके। ठीक है। कोई प्लॉट भी लेना चाहता है, सारे वीडियो देखे, सबके वीडियो देखे, रिसर्च करे सब पे, और उसके बाद मेरे से मुलाकात जरूर करके जाए। बिल्कुल। और सर ये सब इतने सारे डॉक्यूमेंट कैसे है ये सब? सर ये देखिए साल के, एक साल के अंदर जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, उसके बाद जो फोल्डर तैयार होते हैं वो सीए के पास सालाना चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सारी मतलब रजिस्ट्री करवा चुके आपका? हाँ जी बिल्कुल, ये कस्टमर की रजिस्ट्रियां होती है। नहीं ऐसे तो हम पे 500 फोल्डर रखे हैं। ठीक है ठीक है जी, उसका ये स्टैंप लगी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी की तसल्ली आप आके खुद से कीजिए, ऑफिस में देखिए, जमीन देखिए, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर करीब 6000 के करीब मकान बने हुए हैं कॉलोनियों के अंदर। अच्छा। सबसे बड़ी बात बताऊं निखिल भाई, इनमें हमने सब में गैस कनेक्शन लगा दिए घरों के अंदर, आपको सिलेंडर लाना ही नहीं है, वाटर सप्लाई के पानी के पॉइंट लगा दिए घरों के अंदर। ठीक है। जो आबादी के अंदर लेना चाहते हैं उनके रेट अलग हैं। अच्छा। और जो हमने अभी नए लॉन्च करे प्रोजेक्ट उनके रेट अलग हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि सबसे सस्ता मैंने आपको दिखाया हाईवे पे, वो 3000 रुपए गज से स्टार्ट होता है। 3000 रुपए से, उसके बाद में 5000 रुपए गज से भी स्टार्ट है हमारा एक प्रोजेक्ट। ठीक है। और 8000 रुपए गज से भी प्रोजेक्ट स्टार्ट है। अगर कोई फरीदाबाद में लेना चाहता है तो 10,000 और 12,000 रुपए गज से आबादी के रिहायशी प्लॉट हमारे पास है। ठीक है। अगर कोई मकान बना हुआ लेना चाहता है, कोई फ्लैट बने हुए वो वन मंजिल लेना चाहता है, तो वो भी हमारे पास है, सारा कुछ मिलेगा। हाँ, 50 गज में बना हुआ हम 16 से 17 लाख रुपए में देते हैं, बने हुए चाहिए तो। अच्छा, मतलब जैसा भी चाहिए आपको, देखिए सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे, प्लॉट, दुकान, प्लॉट, कोठी, फार्म हाउस, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह भी चाहिए आपको, तो वो सब भी मिल जाएगी। के लिए 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जितनी जमीन चाहिए वो सब मिलेगी। तो चलते हैं एक बार साइट दिखाते हैं आपको, फिर रेट वगैरह वहीं पे सारा कुछ बता देंगे, क्या रेट चल रहा है अभी, कौन सी जमीन कितने की मिलने वाली। चले सर साइट पे। बिल्कुल। चल रहे हैं अपनी साइट की तरफ जहाँ पे आपको प्लॉट दिखाएंगे, और भारत की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी केएमपी पे अभी हम खड़े हैं। सर यहाँ से कितनी दूरी पे साइट है अपनी? साइट जो है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, 7 मिनट की दूरी पे साइट है सर। अच्छा, केवल 5 से 7 मिनट? 5 से 7 मिनट की दूरी पे साइट है, और ऑन हाईवे साइट है। ऑन हाईवे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगरा के लिए रास्ता जा रहा है। सर ये आगरा की तरफ चले जाते हैं? ये दिल्ली आगरा भी है सर, और ये क्या नाम है, इधर मेरठ की तरफ जा रहा है, इधर अपना चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये केएमपी एक्सप्रेस है। ठीक है। और इस साइड चलते हैं तो दिल्ली की तरफ चले जाता है। ये दिल्ली की तरफ जा रहा है।
जाते हैं, आगरा की तरफ चला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से जमीन केवल 5 से 7 मिनट की 5 से 7 मिनट की दूरी पर प्रोजेक्ट है सर। फ्लाई ओवर देख रहे हो, ये जिला पलवल का फ्लाई ओवर है। अच्छा, और फ्लाई ओवर से ही जो है ना यहाँ जाम की बड़ी दिक्कत रहती थी, तो ऊपर से बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जेवर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर है। हाँ। और यहाँ से गुड़गामा की है जो वो है करीब पूरी मार्केट है 28 किलोमीटर गुड़गामा की है। ठीक है, और पूरा मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सारी सुविधा है, सारा कुछ ये पलवल का बसावट है, देख सकते हैं हॉस्पिटल से लेके सारा कुछ। ठीक है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे डेवलप हुआ है जी। पूरी पलवल की ये मार्केट आ जाती है आपको, जो आसपास है हॉस्पिटल्स वगैरह काफी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने। ये देखिए कितने सारे हॉस्पिटल्स वगैरह है, खाने की दुकान है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी पलवल में। सो दोस्तों देखिए, आपको हम ऑन हाईवे एकदम बिल्कुल हाईवे से टच में सराज जमीन जो दिखाएंगे ना सर, कहाँ पे लोकेशन रहेगा अपना? नियर बाय मुड़कटी चौक, जेबीएम कंपनी के पास। अच्छा, जेबीएम कंपनी के पास जमीन रहेगा अपना, क्या बात है। और ये सारी ऑटो यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे ऑटो बस भी रुकती है, ऑटो भी रुकती है। अच्छा, तो मतलब आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक के बाद एक ऑटो आपको जाते हुए यहाँ से दिख रही होगी। और सर कौन सा बस स्टॉप पता है? ये मुड़कटी के नाम से बस स्टॉप। अच्छा, ये बस स्टॉप है। ये देखिए सामने आपको बस स्टॉप दिख रहा है, और बसें देखिए यहाँ से सामने से जा रही है, बस स्टॉप के पास से ये बस स्टॉप है। और ये नेशनल हाईवे से लगती हुई साइड है। अच्छा, और ये कौन सा हाईवे है वैसे? NH2 हाईवे। देखिए ऑटो कितनी सारी यहाँ से चल रही है। और जमीन किधर होगी अपनी? जमीन किस साइड होगी अपनी? जमीन ये रही है। अच्छा, इससे बस जमीन रहने वाली है यहाँ पे। ये देखिए कितना शानदार जमीन आपको मिलने वाला है। यहाँ से ऑटो बस से उतरे और सीधे जमीन पे 50 फुट का ब्लैक रोड है, इससे लगती हुई जमीन। क्या बात है। अभी हम आपको हाईवे से रास्ता दिखा रहे थे, और अब हम आ गए एकदम साइट के बिल्कुल पास में। तो साइट सर कहाँ पे दिखा रहे हैं आज? बिल्कुल हाईवे पे रहेगा। बिल्कुल, ये NH2 हाईवे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है। अच्छा, और ये जो रोड जा रहा है ये स्टेशन वाला रोड है। ठीक है, ये ब्लैक रोड जो है 50 फुट का। ठीक है, इसी रोड से लगती हुई साइड है। अच्छा, और साइड के जो रोड है हाँ, वो रोड जो है 22 फुट के हैं अंदर। ये 22 फीट का रोड है के रास्ते हैं। ठीक है, और प्लॉटिंग में आप पीछे तक जूम करके दिखा दीजिए। ये देखिए बॉल भी हो रहा है, पूरा बाउंड्री भी हो गया है, बॉल जो हो रहा है पीछे तक। और ये इसमें सारे 22 फुट के रास्ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रोड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है सर? ये अभी कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा? NH2 हाईवे से कनेक्ट है। NH2 हाईवे से कनेक्ट है, दिल्ली मथुरा है। सिर्फ आपको 300-400 मीटर अंदर चलना है, मीटर केवल अंदर आना है। और ठीक है, की तरफ ये प्लॉट है हमारे। ठीक है, आइए थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलते हैं। ये है 22 फीट का बिल्कुल रास्ता। और सर इसमें तो पिछली बार जैसे वीडियो बनी थी तो काफी सोल्ड आउट भी हो चुकी होगी अब तो। हाँ, इसमें काफी माल पिछली बार भी गया है हमारा, निकला है, तो उसके बाद भी हम इसमें बाउंड्री वॉल करा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, और ये देखिए पूरा इनका जमीन होने वाला है, सोसाइटी रहेगी पूरे प्रोजेक्ट। और यहाँ पे बसावट भी हो रखी है, ये सारे मकान भी बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, मकान भी बने हुए हैं। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया एकदम ऑन रोड हाईवे से अगर जमीन आप लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे इनके पास आपको मिलने वाली है बिल्कुल हाईवे वाली जमीन। सर यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह क्या क्या मिलने वाला है लोगों को? यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी सब मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल पूरी सोसाइटी रहेगी। ठीक है, और इसके बाद भी आप देख सकते हो पूरी जमीन जो है JBM कंपनी के साथ वाली है। अच्छा, और मेन रोड से लगती हुई है। ठीक है, NH2 हाईवे से लगती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, आप रात में कभी आइए। मार्केट यहाँ से सिर्फ 3-4 मिनट की दूरी पे है, केवल 3-4 मिनट की दूरी पे। ये पूरा शहर है यहाँ पे। ठीक है, आप ये देख सकते हो अंदर के रोड है, पीछे मकान बने हुए हैं, इनमें लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग रह रहे हैं इसमें? क्या बात है, ये देखिए मकान कितने मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, और आप ये बाउंड्री वॉल देख सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट को हमने नब्बा रखा है। ऐसी बात? अच्छा अच्छा अच्छा, सारा अपना प्रोजेक्ट है ये? हाँ जी हाँ, इसमें ब्लॉक वाइज ब्लॉक नब्बा दिए हैं, जैसे ब्लॉक होते हैं ना, जैसे ये ब्लॉक हो गया ABC करके, ऐसे सारे ब्लॉकों को हमने नब्बाया है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक पे जो है आपकी वो रहेगी, क्या नाम है, गेट रहेंगे हर एक ब्लॉक। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे ही डेवलपमेंट होगा। ये देखिए अभी काफी बड़ा किला है इनका, जहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं, मतलब बड़े साइज का भी प्लॉट कोई लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक और बात बताऊंगा निखिल भाई, हाँ, अगर कोई भाई हमारे से वर्कशॉप बनवाना चाहे, फैक्ट्री बनवाना चाहे, अच्छा कॉमर्शियल रेजिडेंस, दुकान, प्लाट, मकान जो भी लेना चाहे, ठीक है, वो दिल्ली NCR के अंदर, अच्छा वो हमें कॉल करे, हमारे हमसे बात करे, हम उनको बना के भी दे देंगे। और जो प्लॉट लेना चाहे हम बैंक लोन भी करवा देते हैं, वो बैंक लोन भी, बैंक लोन। अरे वाह, आप उसको सिर्फ पेपर देने हैं, बैंक लोन से, बैंक से पैसा ले लेंगे, हम लोग रजिस्ट्री उनके नाम कर देंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, काफी बड़ी प्रोजेक्ट है इनकी, बिल्कुल NCR के एरिया में पड़ता है, दिल्ली NCR। दिल्ली वाले लोग भी आ सकते हैं, आसपास के लोग भी देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप देख रहे हो, यूपी से, गाजियाबाद से, इस जगह पे आप प्लॉट लेके सर यहाँ पे मकान भी बन सकता है।
बिल्कुल मकान बना सकते हो और रह सकते हो तुरंत बना के। ये मकान बने हुए हैं आप, ये सारे बन गए हैं देखिए, यहाँ सारा कुछ रह रहे हैं। ठीक है। और एक और बात बताऊं निखिल भाई, हाँ, कि यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं रजिस्ट्री वाले हैं। अच्छा। और रजिस्ट्री हम रजिस्ट्री में डील करते हैं, सारे पक्की रजिस्ट्री। बिल्कुल पक्की रजिस्ट्री में डील करते हैं और किसी में डील कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं, पक्की सीधे रजिस्ट्री करवाएं। एग्रीमेंट उनके होते हैं जो लोग हमसे ईएमआई पर प्लॉट लेना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे हम एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट ना करना चाहे और वो बैंक से लोन लेना चाहे, उसकी प्रोफाइल अच्छी है, तो बैंक से हम पैसा ले लेंगे, वो लोन अपना बैंक में किस्त जमा करे। ठीक है, मतलब बैंकों को डायरेक्ट किस्त दे सकते हैं। हाँ, वो डायरेक्ट दे सकते हैं। और वो चीजें तभी होगी जब आपकी जमीन बिल्कुल जेन्युइन हो, तो आप यहाँ पे आइए, बैंक लोन भी आपको सर करवा के देंगे। यहाँ पे रेट है, हाँ, इस प्रोजेक्ट का रेट जो है 8,000 रुपए गज का है। ठीक है। जो नगद आएगा वो मैं इसमें 500 रुपए गज का डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा। नगद के 7.5 के दाम है। ठीक है। और 8,000 जो है वो इसके किस्तों में 12 महीने के टाइम। ठीक है, जो नगद पे लेंगे उनको डिस्काउंट हो जाएगा। और भी वैसे बहुत इसमें 24 महीने तक का भी टाइम दे रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रेट इंक्लूड हो जाता है। बाकी जिनको सस्ती जमीन चाहिए वो भी मिल जाएगा सस्ती जमीन। हमारे पास एक प्रोजेक्ट और है बंचारी स्टेशन के पास। ठीक है। जेबीएम कंपनी के बगल में लग रहा है वो भी। ठीक है। और मात्र वो 3,000 रुपए गज के हिसाब से है, 50 गज का प्लॉट 1,50,000 रुपए का है। केवल 1,50,000 में 50 गज का प्लॉट, मेन रोड से लगता हुआ हाईवे से ही, इतना सस्ता बंचारी स्टेशन के वो भी रजिस्ट्री होगी ना, उसमें भी रजिस्ट्री है। अरे वाह, क्या बात है, देखिए मात्र इतना। और सस्ता। सबसे बड़ी बात बताऊं निखिल भाई, हाँ, कि मैं खुद यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा अच्छा घर यहीं है। कोई क्लाइंट आए मेरा घर देखे मुझसे मिले और उनको संतुष्टि हो जाए फिर पैसे दे। मतलब भरोसा पूरा होने वाला है लोगों का यहाँ पे आएंगे तो। मैं हमेशा यहाँ से दिन रात मुझे यहीं रहना है। अच्छा। और फरीदाबाद में ऑफिस है। तो देखिए, आइए, देखिए, मिलिए सर से, आपको बढ़िया लगेगा। यहाँ पे जमीन लेने के साथ साथ आप आएंगे मिलेंगे इनसे तो काफी बढ़िया लगेगा, क्योंकि इनकी घर भी यहीं पे खुद की है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई लेके भागने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप, आपको प्लॉट दे दिए कहीं और से आके, ऐसा कुछ नहीं है इनका। तो बाकी सर एक बार सस्ती वाली भी जमीन दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी लोगों को आप करवा के दे देंगे? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है ये सब? सर यहाँ पे स्कूल है, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, KCM स्कूल के नाम से है। ठीक है। और यहाँ पे बाकी स्कूल कॉलेज आपको पता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सब है वो, तो वो सारे कुछ यही है 5 मिनट की दूरी। बिल्कुल। और 5 मिनट की दूरी पे मार्केट है, शहर है पूरा। ठीक है। शहर से लगती हुई ये साइड है, JBM कंपनी से लगती हुई साइड है ये। ठीक है। ठीक है जी। नियर बाई NH2 हाईवे है, हाईवे के साथ ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। ठीक है जी। और जो लोग 16 का स्टेशन पे आते हैं उनको हाईवे की तरफ वापस आना पड़ेगा। अच्छा। कुछ लोग तो जो प्लाटिंग मैंने देखी है, बहुत सारे लोग ब्लॉक बनवा रहे हैं जो वो 16 का स्टेशन से फाटक पार करके बनवा रहे हैं, और कोई वो 8,000 रुपए दे रहा है, कोई 7,000 रुपए दे रहा है। हम तो NH2 मथुरा हाईवे से लगती हुई साइड दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो एकदम रोड पे, देखिए बाइकें चलती हुई आपको दिख रही होगी, कार चलती हुई दिख रही होगी, और ये जस्ट बाद की इनकी जमीन है, पहली किले आपको इनकी मिलेगी। दुकान लेना चाहे उसको हाईवे पे हम दुकान दे देंगे। अच्छा, हाईवे पे दुकान भी दे देंगे, क्या बात है। दुकान भी, ये देखिए ब्लैक रोड हाईवे से कनेक्टिंग रोड पे आपको दुकान दे। प्रोजेक्ट में हमारी ब्लैक रोड से लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी चले सर दूसरी वाली जमीन भी दिखा दें। हाँ, वो सस्ते वाली 3,000 रुपए गज वाली प्रोजेक्ट हम आपको भी दिखा देते हैं। ठीक है। नहीं, कमाल की लोकेशन है, एक साइड पूरी हाईवे और एक साइड सर पूरी बसावट है, यहीं पे जमीन देंगे आप? बिल्कुल सर, होन हाईवे से लगती हुई 3,000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट है। 3,000 रुपए पर गज। ये कॉलोनी देखो सर, ये कॉलोनी पूरी बड़ी हुई है, ये देखिए क्या बात है। और 3,000 रुपए गज पक्का मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए हाईवे है, 3,000 रुपए पर गज मिल जाएगा यहाँ पे जमीन, रुपए पर गज के साथ। क्या बात है। देखिए, अगर किसी को भी सस्ती जमीन लेना है दिल्ली NCR में, तो देखिए इस बसावट हाईवे के बिल्कुल पास में, ये हाईवे रहा और ये बसावट, इसमें मिलेगा मात्र 3,000 रुपए पर गज में, इसी के अंदर जमीन मिलेगा। देखिए यहाँ ऑटो बस सब कुछ चलता है, कभी भी आपको कहीं भी जाना हो आराम से आप इजीली जा सकते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो आबादी के अंदर है, उनमें अच्छा। गैस कनेक्शन लगे हुए हैं, आपको सिलेंडर नहीं लाना। अच्छा। वो पानी की पाइपलाइन लगी हुई है, पानी की सुविधा, मीठे पानी की सुविधा है, और आबादी के अंदर है। करीब 6,000 के करीब मकान कॉलोनियों में बन चुके हैं। क्या बात है।